चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ आपके कर्नाटक स्टेट में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके साथ ही आज आप लोगों की इस अपार भीड़ व भीड़ के जोश को देखकर और हमारे कार्यकर्ताओं का जो कार्यकर्ताओं के जो बच्चे हैं उन्होंने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनी पार्टी और मूवमेंट के लिए और आप लोग क्या चाहते हैं उसको ध्यान में रखकर जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, अपना प्रोग्राम जो आपके सामने रखा है, तो उससे ऐसा लगता है कि अब आप लोग दिल्ली जाने के मूड में हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपनी पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ शुरू में कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी तथा अन्य और पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है। किंतु यह खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को यानी कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र व यहाँ के कर्नाटक प्रदेश सहित अन्य और राज्यों में भी सत्ता से अलग होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में इनकी सरकार की शुरू से चल रही खासकर आरएसएसवादी पूंजीवादी संकीर्ण सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से ये पार्टी भी जरूर बाहर चली जाएगी और इस बार चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि भी काम में आने वाली नहीं है। और खासकर अब इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिसे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश व आम जन हिस्से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। इसके साथ ही वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में खासकर गरीबों मजदूरों बेरोजगारों कर्मचारियों युवाओं
महिलाओं, किसानों, व्यापारियों वे अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिन पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा पूरा प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी के भी इस प्रलोभन भरे चुनावी वायदे के बहकावे में यह अति गरीब लोगों को कतई भी नहीं आना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को ना देकर केवल यह अपनी एकमात्र हितेशी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो फिर ये पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनने पर यहाँ पूरे देश में अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ ही केंद्र से जुड़ी आपके कर्नाटक प्रदेश की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा देश व आम जनहित के कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा जाएगा। और तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं वे महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु पेरियार जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रा सपना जरूर साकार हो सकता है। और अब मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोगों को इस लोकसभा चुनाव में यह अपनी पार्टी के कर्नाटक स्टेट में यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को जरूर कामयाब बनाना है। और इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि चुनाव में यहाँ आपके कर्नाटक प्रदेश में जिन लोगों को भी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, जो आपके सामने यह मंच पर मौजूद हैं, मेरे पीछे यह मंच पर खड़े हैं, कुछ आगे भी मंच पर मौजूद हैं, तो मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इन सभी लोकसभा प्रत्याशियों को रात दिन मेहनत करके तो बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को आप लोगों को अब सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना है। वैसे तो आप लोगों ने तो अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से हाथी की चिंगाड़ी और दहाड़ आप लोगों को दिखाई है, गाने के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, लेकिन अब आप लोगों को इस हाथी की दहाड़ और इसकी चिंगाड़ी है, तो आप लोगों को इस दहाड़ को तो अपनी पार्टी के यहाँ से कुछ एमपीज जिताकर भेजकर इसको जमीनी हकीकत में भी आप लोगों को बदलना होगा। ऐसी मेरी आप लोगों से अपील है। हालांकि आपके कर्नाटक स्टेट में बीएसपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए और यहाँ पर पार्टी का जनाधार भी बढ़ाने के लिए हमने सेंटर से श्री अशोक सिद्धार्थ को यहाँ पर भेजा हुआ है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। इनके साथ साथ श्री एमएल तोमर को भी यहाँ पर भेजा हुआ है, ये भी उत्तर प्रदेश में वहाँ पर एमएलसी रहे हैं,
गवर्नमेंट सर्वेंट थे, नौकरी छोड़कर ये राजनीति में आए। तो मेरा आप लोगों से ये पुरजोर अपील है कि ये दोनों लोग कोई आपके यहाँ से, आपके कर्नाटक स्टेट से ये कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में आपकी मदद करने के लिए आए हैं, ताकि आप लोग पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव में अपने ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे यहाँ से जिता कर भेज सकें। अब मैं आप लोगों का और ज़्यादा समय ना लेते हुए जो भी मैंने आप लोगों के सामने अपनी बातें रखी हैं, उन सभी बातों पर अमल करते हुए मेरे आप लोगों से ये पुनः ये अनुरोध है कि बहुजन समाज पार्टी के इन सभी लोकसभा प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको ज़रूर कामयाब बनाना है, इनको पार्लियामेंट के अंदर ज़रूर जिता कर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे।